गए कुहाड़ तांदा डैम की मछली, हमारे साथ जुड़े रहे। तो हम लोग आ गए हैं कुहाड़ तांदा डैम। ये हमारे आफाक नूर अफरीदी साहब कसम हैं। से इतनी प्यारी बैठक में जगह थी, इन लोगों ने हमें दलील करने के लिए इधर लाए हैं। ये हमारे आमिर इस्लाम है। पानी जो है डैम वहाँ हाँ, पे है, ये पानी उमूमन किधर होता है? पानी असल में डैम जो है वो नहर उन्होंने छोड़ा हुआ था, बारिश हो नहीं रही ऊपर, सही, जो उस साइड से पानी जब डैम में आता है, ठीक। जब ज़्यादा बारिश होते हैं तो ज़्यादा पानी आता है, तो अभी ज़्यादा बारिश हुई नहीं है, सही। बारिश ऊपर हो जाए तो वो सारे पानी इधर से हाय टू द व्यूअर्स। ये हमारे सर्वर भाई हैं, इनको हम पनौती कहते हैं। बहुत तेज फ्लैश है थोड़ी। और ये हमारे जोहे भाई हैं। ये हमारे आफाक नूर अफरीदी साहब जो है इस टाइम आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आग लगाने में वैसे और लोग बड़े माहिर होते हैं, लेकिन हमारे भाई इस आग लगाने में तेज़ हैं, लेकिन और आग लगाने में थोड़े कमज़ोर हैं। ये मास्टर है, मास्टर मास्टर ये मास्टर है, मास्टर। अभी अभी लगा के दे। ये हमारे आमिर भाई हैं, लकड़ियां तोड़ रहे हैं। और आप ये व्यू चेक करें। आए है, क्या आ रहा है यार, क्या आ रहा है, क्या? ओह माशाल्लाह, मेरी आवाज पे हटा देना इसमें से। क्यों? मेरी आवाज हटा देना, तू मुझे ले आया। आप आवाज़ें सुन रहे होंगे, यहाँ पे गीदड़ हैं और मुख्तलिफ जानवर हैं, लेकिन उन सब से दूर, एक शोर से दूर, चांद की चांदनी सात बादलों का जो है उसके साथ प्यार मोहब्बत करने का अंदाज़। और यहाँ पे जो है कुहाड़ डैम है, पानी है, और यहाँ पे तांदर डैम की ये वादियाँ हैं, और ये व्यू, सारे पैसे इसके। डैम में मछलियाँ पकड़ते मछेरे हैं, उनके टेंट्स लगे हुए हैं, और से आगे तक लोग जो हैं बैठे हुए हैं फ़िशिंग के लिए। आपको वो लाइट्स नज़र आ रही होंगी, ये लोग जो हैं फ़िशिंग के लिए बैठे हुए हैं। आती रही, ये मास्टर नहीं है, बहुत करना पड़ेगा। अब भी ठीक करके अभी लगा के दे, अभी उम्मीद है कि अभी ठीक करके दे देंगे। जब से आया बोल रहे अभी ठीक कर, अभी ठीक करके दे, कब करेगा? कहाँ भी पकड़ के लाए हो? हिमाचल दो नंबर है, इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकता। ये को आग लगानी भी नहीं आती। और ये हमारे दो भाई जो हैं वो बाइक ले आए, आफाक भाई का। ये बाइक किस वजह से लेकर आए हैं यहाँ पे? कि कुछ लोगों की मोहब्बत है आफाक भाई के साथ, वो इनका बाइक हो सकता है कि ले जाए मोहब्बत में। तो इसलिए हम जो है ये बाइक यहाँ पे ले आए हैं। बन रही है, फाइनली हमने आग लगा ली, और आग लगने के बाद शख्स में जज्बा आ गया। और ये अपनी मेहनत दिखाते हुए जिसको कोई फायदा नहीं, जाया हो रहा है कोयला। ये मेरी तरफ लाइट तो कर था, अब जाया हो रहा है कोयला है। मैं प्यारा आना चाहिए, आगे वो नहीं, वो नहीं। जाहिल मुतलक इंसान आफाक नूर अफरीदी। इस तरह तो होता है, इस तरह के काम है। तो प्यारा लग रहा है, एक लुक दे, एक प्यारी सी लुक दे। हाय हाय बिली। लुकमान भाई और हाथ में क्या जूम आउट है, और उसमें कुछ भी नहीं है। लुकमान लास्ट में बीच हमसे नहीं मिली। ये मछली है, इसको अब फ्राई करें। सही दस ना, दस ना, सबर सबर। आड़ा वामा कर चेक कर, फिर तेरे उच्चत का दादा नहीं बुद्धा तू ना खली हो ना ना खली ना भी खोला बिली की खैर बिली की बिली की पैर कमंडा ना यूपा किसे रब ना बसा ना गरम दो बड़ी गरम वाचा 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 वाला सर्दी में क्यों वाचा ना वो खबर है ना का पलास लोगों से ना दिक्कत सर को लास्ट को दिखो रवि के गाँव ना क्यों आफाक भाई, क्या हुए? लकमई बा हमेशा पत्ते जोर पकल ओगड़ो के बोदे राचे के गड़ो के बिल्कुल डूब गई आप करो तो डूब ले जब पति भी ना पाई ले जा कल फुले पके करे अच्छा। शाह महमूद भाई हैं, सबसे बेहतरीन सोशल वर्कर हैं कोहाट में, अपना एक अलग नाम रखते हैं। और इस टाइम अपनी टीम वालों के लिए जो है वो मछली को फ्राई कर रहे हैं, तल रहे हैं, क्योंकि आफाक भाई जो हमारे स्पेशल कुक थे वो फेल हो गए हैं। अब मास्टर शेफ जो है
जो हमारे ये शेफ थे ये फेल हो गया, मास्टर शेफ आए और वो अब कुकिंग कर रहे हैं। इनकी तबीयत भी बड़ी ख़राब है, उर्दू में बात करो यार। अब बोलो मशर होती है ना तो फिर पीछे होना चाहिए। अच्छा टू मच एक्सपीरियंस। शामुद भाई थंडर डैम की मछली के बारे में कुछ तो बोले, मतलब कुछ कुछ भी कुछ बताएं। तो थंडर डैम का मछली ऐसा है ना कि पूरे पाकिस्तान में नहीं इसका जायका मिलेगा और ना इस तरह खूबसूरत मछली मिलेगा। एक गुहाट बाजार में जो अक्सर रेड वाले आवाजें लगा रहे थे थंडर डैम की ताजी मछली खुदा की कसम, एक के पीछे मैं जा रहा था वो गोल उठल की मेन बाजार में, तो वो कहते हैं थंडर डैम की ताजा मछली, थंडर डैम की ताजा मछली। तो पीछे से मैंने इसको ऐसा ही से कर दिया कि आप क्यों ऐसे देख यार, फिर बिकता नहीं है ना, तो हराम क्यों करते हो, ये तो हराम है, गुनाह है। अरे रमूद भाई इसमें नस्लें कौन कौन सी है? इसमें सिल्वर, चैना, रऊ, तिल्ला, ग्रास, मोरी और माशेर है, लेकिन वो हम अपने लिए रखते हैं, बहुत कम मिलता है। सही, तो इसमें जायका सबसे बेहतरीन किसका होता है, कौन सी मछली का जायका सबसे बेहतरीन होता है? इस डैम में जितनी मछली है मैं तो खास करके ज़्यादातर ये सिल्वर खाता हूँ। सही, और माशेर कम लगते हैं, 5-10 किलो, 4 किलो, 6 किलो इस तरह दाने लगते हैं और वो हम फिर अपने लिए रखते हैं, लेकिन जायका तो सब मछली का बहुत अच्छा जायका है। थंडर डैम ये है कि अभी ये दाने जो है 3 किलो 4 किलो तक पहुँचे हैं ना, तकरीबन ये 3 साल के हैं। सही, और ये जो बाज़ारों में मिलता है ये 6 महीनों का होता है। सही, यानी ये कुदरती खुराक इनको मिलती है और वो फीड पे होते हैं। ठीक है, इस तरह जायकी का ये असल वजह यही है जायकी। तो ये हमारी मछली जो है इस टाइम बन रही है। अच्छा शमूद भाई ये बताएं कि आप अक्सर हम लोग फेसबुक पे सोशल मीडिया पे देखते हैं कि टीचर हज़रात भी आते हैं, सोशल वर्कर्स भी आते हैं आपके पास और भी महकमों के लोग आते हैं, तो आपकी तबीयत भी अभी भी ख़राब है। इस तरह भी हम देखते हैं अक्सर कि आप लोगों को बुलाते हैं फिर उनके लिए ख़ुद कुकिंग करते हैं, ख़ुद उनको खिलाते हैं, तो इस चीज़ में आपको क्या मज़ा मिलता है? मुझे सुकून इस चीज़ में होता है कि मैं लोगों को खिदमत करूँ और लोगों को खिलाऊँ। अरे वाह वाह, बस मुझे मज़ा यही होता है, मैं खुद इतना शौकीन नहीं हूँ खाने का। सही, लेकिन तो इसमें तो फिर आपका प्रॉफिट काफी कम होता होगा, बल्कि ना होने के बराबर होगा। तो मैंने कभी प्रॉफिट किया नहीं है जिंदगी में, नहीं किया। पूरी जिंदगी में मैंने प्रॉफिट नहीं किया, अभी तक लॉस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह के हमारा काम बहुत अच्छी तरीके से गुजारा, बहुत अच्छी तरीके से कर माशाल्लाह, और अल्लाह से बहुत ज्यादा शुक्र गुजार हूँ। मैंने सोचा था कि मैं इस डैम में तकरीबन 15 लाख तक लॉस करूंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बचा के रख लिया माशाल्लाह, ये मेहमानों की वजह से। अरे शमूद भाई आपकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब है, आपको ज़्यादा तंग भी नहीं करेंगे, लेकिन अब रिसेंटली एक वाक़ हुआ था टूरिज़म के हवाले से, क्योंकि आप ख़ुद भी टूरिज़म को बड़ा जो है वो प्रमोट करते हैं, तो मरी में एक वाक़ पेश आया था जिसमें जो है कुछ लोगों की अमवात भी हुई है वहाँ पे, क्योंकि रेस्ट हाउसेज जो है वो महंगे हो गए थे, वहाँ पे रह नहीं सकते थे। तो इस तरह बर्फ़बारी जो है वो आपके इलाके में जो है वो वहाँ पे भी होती है और कुहाट में भी टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा है, अगर मतलब पहले से पता हो, फॉरकास्ट पता हो कि मौसम बिगड़ने वाला है, तो इससे पहले कोई प्री प्लानिंग नहीं करनी चाहिए थी? या मरी के हवाले से आप क्या मतलब बोलते हैं कि गलती किसकी थी, लोगों की थी या इंतज़ामिया की थी? नहीं, लोगों की तो गलती हो नहीं सकता, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि मरी, कलाम, स्वात या औरंगज़ेब एजेंसी जिधर भी टूरिज़म के इलाके होते हैं वो होते इसी चीज़ के लिए होते हैं कि लोग आएँ वहाँ पे देखें और अपना रिफ़्रेशमेंट करें। जिस तरह हमारे कोहाट में थंडर डैम है जी, तो इसमें भी लाखों के लोग, हज़ारों के लोग आते हैं ईद के दिन में, 14 अगस्त में। फिर इनके लिए हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसी साहब के साथ मिलते हैं और ट्रैफिक जितने भी पुलिस है उनके साथ मिलते हैं, नीचे हम पार्किंग के लिए जगह लोगों के लिए बनाते हैं, हम अपने तंजीम के तकरीबन 100 बंदे होते हैं तंजीम, फिर हम इनको गाड़ियों की भी रास्ता देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जितने तंजीम के बंदे होते हैं ये जिधर भी होते हैं। ये हुकूमत की नाकामी होती है, हुकूमत को चाहिए कि जिधर भी सैर व तफरी के जितने भी टूरिज़म की जगह हैं उन पे खड़ी नज़र रखें और उन पे खर्चा करें, उनसे इनकम तो मिलेगी लेकिन वो खर्चा नहीं करते ये लोग।
बिल्कुल। अच्छा महमूद भाई, अभी रिसेंटली कल की बात है कि कोहाट यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने जो है वो बनाई है लेट्स फ्लाई के नाम से टूरिज्म एजेंसी, और कोहाट यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात ने जो है डैम का भी विज़िट किया उसमें। तो इस तरह की एजेंसीज़ के साथ आपके कितने रबते होते हैं जो टूरिज़म डिपार्टमेंट को जो है प्रमोट कर रहे हैं या टूरिज़म को प्रमोट कर रहे हैं? तो इसमें बाहर मतलब कोहाट से बाहर के लोग डैम आए हैं कभी इस तरह? बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने खुद ये इस डैम के लिए तो सऊदी अरब के लोग आए हैं, चाइना के लोग आए हैं, जर्मनी से लोग आए हैं और दुबई से आए हैं। तो बहुत जगह तो बहुत दफ़ा मैं खुद भी इनके साथ विज़िट कर चुका हूँ। और तांदा डैम तो कोहाट में वाहिद जगह है, लेकिन ये है कि हमारे नुमाइंदों की वजह से और गवर्नमेंट की वजह से ये बिल्कुल यतीम पड़ा हुआ है। सही। अच्छा आखिर में शमूद भाई, जिस तरह ये व्लॉग जो है ये हमारे पूरे पाकिस्तान में देखा जाएगा, मुख्तलिफ सूबों में देखा जाएगा, तो उनके लिए कोहाट टूरिज़म के हवाले से आपकी जानिब से क्या पैगाम है? इंशाल्लाह हम तो जितने भी टूरिज़म के शौकीन लोग हैं इन सबको हम दावत देते हैं कि आए हमारे कोहाट। इंशाल्लाह कोहाट में और पूरे जनूबी अजला में ऐसे मेहमान नवाजी आप लोगों को मिलेगी इंशाल्लाह के पूरे दुनिया में इस तरह मेहमान नवाजी नहीं होगी जिस तरह कोहाट में और फिर हमारे तांदा डैम में। और आज भी इंशाल्लाह एक कुछ लड़के आए थे, तो उसको डैम का पता नहीं था, तो मैंने उसको कहा, वो तो पेशावर से आए थे। सही। फिर मैंने उसको कहा आ जाए हमारे पास, फिर मैंने उस पर मछली भी खिलाई और खूब उनको विजिट कराया, फिर फ्री ऑफ कास्ट उसको किश्ती में घुमाए। स्टूडेंट थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो इंशाल्लाह इधर जो भी आएगा तो हम इनके लिए दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया शमूद भाई। यह थे हमारे शमूद भाई जो बड़े बेहतरीन जो है समाजी कारकुन है, और इनका दिल जो है वो हमेशा खिदमत के लिए तड़पते रहता है, और सुबह से लेकर शाम तक और साल के तमाम दिनों में ये इनकी कोशिश ही होती है कि हर दिन किसी न किसी के काम आए, और सोशल वर्क में जो है ये हमेशा जो है अमली मैदान में नज़र आते हैं। और आफाक भाई जो है वह मछली को बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। बहुत जल्दी पकेगा, मछली बन चुकी है। सर वो लगने के लिए वीडियो में आ रहे हो आप? ऑलरेडी हमारी जो है वो मछली तैयार हो चुकी है, बहुत क्रिस्पी है, बहुत जबरदस्त है। ट्राई करते हैं कैसी है। बड़ी जबरदस्त है। स्पेशल थैंक्स टू शाह महमूद भाई और द कुक जूनियर कुक। हाँ जूनियर कुक आफाक भाई भी जूनियर कुक। करा रहे हैं शमूद भाई, हम सबको वाह करा रहे हैं क्योंकि उन्होंने हद से ज़्यादा खा ली है, क्योंकि शमूद भाई ने अपने हाथों से बनाई थी तो बड़ी लजीज थी। सर भाई आप मछली के बारे में क्या कहोगे, कैसी थी, कैसे टेस्ट? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, और हम सबको सजेस्ट कर दें कि यहाँ पे आए और शमूद भाई को थोड़ा सा नुकसान दें। और मज़े की बात यह कि कैमरे के पीछे जो है आमिर भाई हैं और मैं डर रहा हूँ कि गिर ना जाए क्योंकि मुझ पर बहुत ज़्यादा प्यारा है मेरा मोबाइल। जैसे हो गए बंद कर दे लगी रहती ना, क्या जा रहे ये सारे मछली छुपा के ये छोटा है क्या नाम है?